वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स विद द हेल्प ऑफ जो दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा जो वर्कशीट दी जा रही है उनके क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करते हुए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। पेयर का मतलब हो गया दो, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है अगर मैं उसको ग्राफिकली बोलूँ स्ट्रेट लाइन्स। ओके, जो आप ग्राफ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वो है आपका स्ट्रेट लाइंस हैं और उसकी जो फॉर्म होती है ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू ज़ीरो। और अगर दूसरी इक्वेशन बोलूँगा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू ज़ीरो, जो आप रेड बॉक्स में देख पा रहे हैं। अगर इनको मैं अगर प्लॉट करूँ तो तीन पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, तीन पॉसिबिलिटीज़ हो गई। पहली पॉसिबिलिटी जब दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करें, क्रॉस करने का मतलब हो गया वो एक पॉइंट पे मिल रही है। अगर वो एक पॉइंट पे मिलेंगे तो इसका मतलब उनका होगा यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होगा। और अगर वो एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं एकदम इस तरीके से तो उसको बोलते हैं इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्यों बोलते हैं इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन? बिकॉज दोनों लाइन बहुत सारे पॉइंट्स पे मिल रही है तो उसे कहते हैं इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तीसरी कंडीशन हो गई जब वो मिले ही नहीं, पैरेलल हो जाए, जब वो मिलेगी नहीं तो उसे क्या कहते हैं? नो सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर वर्कशीट में आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं किस तरीके से उसको सॉल्व करा जाए। तो पहली चीज़ हम इस मेथड में जंप क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आप हर बार अगर दो इक्वेशन देंगे उसको प्लॉट करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हमें एक मैथमेटिकल तरीका भी चाहिए ग्राफिकल मेथड से अलग। ये ग्राफिकल मेथड होता है, उसको प्लॉट करके देखो और उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जानो। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक मेथड देखेंगे कि किस तरीके से हम बिना ग्राफ पे ड्रॉ करें आप इक्वेशन को ये पता लगा सकते हो कि उसका वन सॉल्यूशन होगा, वन यूनिक सॉल्यूशन, या इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, या नो सॉल्यूशंस। आइए चलते हैं फॉर्मूलेस की तरफ। यूनिक सॉल्यूशन तब होता है जब ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू। इसके अंदर हम सी को चेक भी नहीं करते, अगर ये दोनों फ्रैक्शन अगर अनइक्वल आ जाए तो हम उसका आगे चेक भी नहीं करते। इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन मतलब एक दूसरे के ऊपर होते हैं, तो इसका मतलब ए वन अपॉन ए टू जो है वो बी वन अपॉन बी टू के इक्वल होता है और वो सी वन अपॉन सी टू के भी इक्वल होता है। अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो इसका मतलब दोनों इक्वेशन के बीच में क्या है, इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। नो सॉल्यूशन हो गया ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू। ये तीन कंडीशंस हैं। अब आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर जो पहले लिखा है टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस एट इक्वल्स टू जीरो, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। फोर एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस नाइन, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। तो हम यहाँ पहले ए वन ए टू वो सब लिख लेते हैं। ए वन क्या है यहाँ पर? टू। ओके, बी वन क्या है? माइनस थ्री, क्योंकि आपको पता है कि ए वन फॉर्म क्या होती है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू ज़ीरो, ये फॉर्म होती है। तो बी वन क्या है? माइनस थ्री है। कैसे समझ सकते हैं इसको? यहाँ पे अगर प्लस लिखूँ तो ये माइनस अंदर चला जाएगा, तो माइनस थ्री हुआ वो। सिमिलरली सी वन क्या है? माइनस एट। ओके, ये है सेकेंड इक्वेशन, तो इसके बारे में लिख सकते हैं ए टू बी टू एंड सी टू। ए टू है फोर, बी टू है माइनस सिक्स एंड सी टू है माइनस नाइन। ओके, टेस्ट करते हैं। पहले ए वन अपॉन ए टू निकालते हैं। ए वन अपॉन ए टू, ए वन क्या है? टू। ए टू क्या है? माइनस फोर, सॉरी प्लस फोर। सो आंसर हो गया वन अपॉन टू रिड्यूस करने के बाद। बी वन अपॉन बी टू निकालते हैं। बी वन क्या है? माइनस थ्री। बी टू क्या है? माइनस सिक्स। माइनस माइनस गेट कैंसिल और यह भी आ गया वन अपॉन टू। इसका मतलब हमें सी वन भी निकालना पड़ेगा। सो सी वन अपॉन सी टू निकालते हैं। सी वन क्या है? माइनस एट और सी टू क्या है? माइनस नाइन। सो माइनस माइनस हट गया तो आंसर आया एट अपॉन नाइन। तो इससे मत पता चलता है ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू बट नॉट इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू।
देयरफॉर ये कौन सा हुआ? वेरी गुड, नो सॉल्यूशन। ओके, ये फॉर्म थी नो सॉल्यूशन की। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो एंड 3x + 4y -20 = 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हो, उसमें कोई आंसर में फ़र्क नहीं आएगा। ओके, ये पहली फॉर्म है ए वन एक्स। यहाँ पे ए वन के आगे तो कुछ भी नहीं है, अगर कुछ नहीं हो तो वन डालेंगे, 1x - 2y। अब यहाँ पे सी वन भी नहीं है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, +0 = 0। मतलब अगर सी नहीं है तो वो 0 हो गया। तो हमारा ए वन क्या हो गया? 1। बी वन क्या हो गया? -2। सी वन हो गया 0। ए टू क्या हो गया? 3। बी टू 4 एंड सी टू -20। अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ए वन अपॉन ए टू, 1 अपॉन ए टू कितना है? 3। बी रिड्यूस हो नहीं सकता। बी वन कितना है? -2। बी टू कितना है? 4। इसको रिड्यूस करते हैं, आंसर आया -1/2। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है तो हमें इसको चेक भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लिखेंगे एज ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू। तो इसका आंसर क्या हुआ? यस, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, सो कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें। आइए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इज है x + y = 6, बट राइट साइड पे तो क्या चाहिए? 0। तो पहले इसको यहाँ पे जंप कराओ। तो अगर 6 वहाँ पे पॉजिटिव था, इधर आएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। सो यहाँ पर हो गया -6 = 0। ओके, सो इसी तरीके से 12 को भी जंप करा देते हैं, -12 = 0। अब हमारी फॉर्म एकदम क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे भी 1। सो ए वन हो गया 1, बी वन हो गया 1, सी वन हो गया -6। ए वन हो ए टू हो गया 2, बी टू हो गया 2 एंड सी टू हो गया -12। ओके, ए वन अपॉन ए टू क्विकली 1/2। वेरी गुड, 1/2 आंसर, कोई रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। बी वन कितना है? 1 और बी टू कितना है? 2। बहुत बढ़िया, दोनों सेम आ रहे हैं तो हमें सी भी चेक करना पड़ेगा। सी कितना है? -6/-12। सो माइनस माइनस कट गया, ये आ गया 1/2। तीनों इक्वल है तो हम लिख देंगे देयरफॉर ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स बी वन अपॉन बी टू इक्वल्स सी वन अपॉन सी टू। हम यहाँ पर लिख देंगे एज देयरफॉर ये कितना है? तीनों इक्वल हो गए। तीनों इक्वल होने का मतलब होता है इनफाइनाइट।